जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम गोंद के लड्डू बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 kg गोंद लेंगे और 3 kg घी लेंगे। घी को हम हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और चेक करेंगे हमारा घी गरम हुआ है या नहीं। हमारा घी अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम इसमें अपने गोंद को जाने देंगे और इसे अच्छे से फूलने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है दोस्तों। गोंद को फ्राई करने से पहले आप एक प्रांत लेके रखें, बड़ा बर्तन कोई भी, और उसमें अपनी खांड डाल के रखें ताकि जो ये गोंद है हम इसको उसमें डालेंगे और उसे अच्छे से क्रश करेंगे। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अपनी प्रांत में जाने देंगे और इसे अच्छे से क्रश करेंगे बिल्कुल अच्छे से। मैंने यहाँ पे 2 kg बेसन लिया है और अब हम अपने बेसन को अच्छे से भून लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से भूनना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 kg बेसन लिया है, 2 kg खांड ली है और 3 kg घी लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले। और मैंने नारियल को भी पहले से ही क्रश कर लिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 kg नारियल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है। और ये देखिए माँ जी कितने अच्छे से क्रश कर रही हैं। नारियल को आप इसमें मिक्स कर दें और हमारा बेसन भी फ्राई होने लगा है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार हो जाता है जब ये फ्राई होने लगता है। और अब हम इसे जाने देंगे अपने नारियल और गोंद में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल गर्म होता है, थोड़ा ध्यान से। हम अपने एलिमेंट्स को हल्का सा क्रश कर लेंगे। सम कैशू और मगद लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे बेसन की जगह आटा भी डाल सकते हैं। और ये लगो एलिमेंट्स डाल रहा है, सम कैशू और मगद। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने खांड भी 2 kg ही ली है। हम अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनके लड्डू बनाएंगे। और ये जीतू लड्डू रख रही है, रियली बहुत टेस्टी बने हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लड्डू कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री श्याम ऑल ऑफ़ यू।